देन अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम इज रॉक्स. क्या रॉक्स? रॉक्स के भी हम बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट है, इजी है, बहुत आसानी से कर लेंगे. और ये मान लो कि फ्री के मार्क्स रहते हैं लगभग. ठीक है, रॉक्स बेसिकली कितने टाइप की पढ़ी हमने? तीन टाइप की, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. इग्नियस रॉक को हम किस नाम से जानते हैं? पेरेंट रॉक के नाम से भी जानते हैं. किस नाम से? प्राइमरी और पेरेंट रॉक. सबसे पहले यही बनती है. रॉक का फॉर्मेशन सिंपल है. पहले क्या होता है, मैग्मा जो होता है उसके सूखने के वजह से जो सॉलिडिफाई हो जाता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं. क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं. जो मैग्मा सॉलिडिफाई होने की वजह से जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं. फिर उसके बाद समय के साथ उसमें जो चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स बनती है. तो सबसे इसीलिए इग्नियस को पहली बार प्राइमरी रॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जब लावा सॉलिडिफाई होता है, सबसे पहले जब ठंडा होता है, तो उसकी वजह से जो पहली रॉक फॉर्म होती है वो कौन सी है? कौन सी रॉक है? इग्नियस रॉक. इस और ये जब पढ़ते हैं हम इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक किस दो नाम से बनी हुई है? क्या इग्नियस रॉक किस वर्ड से निकला है? इग्नी. इग्नी यानी क्या? फायर. तुमने सुना होगा गाड़ी में होता है इग्निशन, इग्नाइटर, ये सारे चीज़ें होती हैं. इग्निशन जब भी हम देखते हैं, इसका इग्निशन कहता है. तो इग्निशन यानी फायर, इस ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या है? फायर. उसी से इनके निकले अपने इग्नियस रॉक. क्या? इग्नियस रॉक. तो जब वो आग जो ठंडी होती है, जो लावा जब ठंडा होता है, तो पहली रॉक कौन सी बनती है? इग्नियस रॉक. कौन सी? इग्नियस रॉक. ये कलर में कैसी होती है? ब्लैक. मोस्टली कैसी दिखती है? ब्लैक. ठीक है, अब ये दो टाइप की होती है. अब एक तो लावा जो मैंने तुम्हें बताया था, बाहर आया और सूख गया. और एक लावा जो अंदर फंसा रह गया. अभी देखा था ना, जब बॉल के अंदर देख रहे थे, तो एक लावा का पोर्शन था जो अंदर ही फंसा रह गया था, वो अंदर भी सूख रहा है. तो ऐसे करके दो टाइप की रॉक फॉर्म्स क्रिएट होती हैं. दो टाइप की इग्नियस रॉक क्रिएट होती है. कौन सी? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव कौन सी है? इंट्रूसिव जो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है. जो लावा जब अर्थ क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाए, उसकी वजह से जो रॉक फॉर्म होती है, उन्हें बोलते हैं हम इंट्रूसिव रॉक्स. और जब बाहर आके सॉलिडिफाई हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव. क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक. इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. ओके, एक्सट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक के एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, लैकोलिथ, बैथोलिथ, सिल्स, डाइक्स. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स. एक्सट्रूसिव रॉक में हम देखें तो बेसल्ट, गैब्रो, दीज आर द सॉलिड जब लावा बाहर आके सूखता है. ठीक है, तो डिफरेंस मतलब लैकोलिथ, लैपोलिथ, बैथोलिथ, ये क्या होता है? अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं रॉक के, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है. लाइक जो बेसल्ट, गैब्रो, इन सब में अंतर क्या होगा? इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में एक एक, या केमिकल या फिजिकल, किसी भी एक एक प्रॉपर्टी में क्या क्या होगा? थोड़ा सा क्या होगा? चेंज होगा या अंतर, डिफरेंस होगा. क्या होगा? डिफरेंस होगा. उस डिफरेंस की वजह से इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं. ठीक है, बेसल्ट हुआ, गैब्रो हुआ, दिस इज ऑल. लैकोलिथ, बैथोलिथ में इन सब में क्या होता है? सब मोस्टली इन सब में स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है. क्या? फिजिकल स्ट्रक्चर्स में इनका डिफरेंस होता है. लाइक बैथोलिथ, क्या नाम है? बैथोलिथ. क्या बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ इज अ पूल ऑफ मैग्मा, पूल ऑफ मैग्मा, बट कैसा? सॉलिडिफाइड. कैसा? कैसा? सॉलिडिफाइड पूल ऑफ मैग्मा. तो सिंपल से याद कर लो, बात हम किस में लेते हैं? पूल में. बात हम किस में लेते हैं? पूल में. तो अब पूल ऑफ मैग्मा, सॉलिडिफाइड पूल ऑफ मैग्मा को हम किस नाम से, अगर जब कोई एक पूरा पूल ऑफ मैग्मा क्या हो जाए? सॉलिडिफाई हो जाए, तो किसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बैथोलिथ. ठीक है, ओके. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं, लाइक लैकोलिथ, लैपोलिथ, बैथोलिथ, सिल्स एंड डाइक्स. तो जब हम आगे पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स, तो मैं उसमें ये सारे समझाऊंगा. क्लियर? दूसरी रॉक होती है सेडिमेंट्री रॉक. कौन सी रॉक? नाम ही क्या है? पहले किस, इसमें हम देखते हैं पहला वर्ड क्या है? सेडिमेंट. क्या है?
सेडिमेंट, सेडिमेंट यानी सेडिमेंट यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब क्या होता है, जैसे अब इग्नियस रॉक चुपचाप रखी हुई है, लेकिन बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है, हवा चल रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, उसकी वजह से उसका क्या हो रहा है, इरोजन। क्या होता है, इरोजन होने की वजह से उसका क्या, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके टूटते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल टूट के कहाँ, एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं लाइक, और वो एक जगह इकट्ठे होते होते काफ़ी टाइम तक रखे रहते हैं, हाई प्रेशर, और उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाई। अब जैसे कि अब तुमने कई बार देखा होगा तुम्हारे यहाँ पे घर पे वो रेत का कट्टा या सीमेंट का कट्टा रखा रहता है, वो अगर वो ज़्यादा टाइम तक रखा रहे तो बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है, बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है, हो जाता है। तो ऐसे ही जब एक जगह पे सेडिमेंट्स रखे रहते हैं तो ये क्या हो जाता है, पूरे का पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी यही है कि ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हमें लेयर में दिखाई देगा, काय में, काय में, लेयर में। क्यों, सेडिमेंट्स जो होते हैं, सेडिमेंट गिरते हैं वो कैसे गिरते हैं, पहले एक लेयर बनी होगी सेडिमेंट्स की, फिर उसके बाद और सेडिमेंट, उसके ऊपर एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, तो ऐसे करके वो सॉलिडिफाई होगा। तो जब हम इस रॉक को देखते हैं, किसको, सेडिमेंट रॉक को, तो इसमें क्या हमें दिखाई देता है, लेयर्स, क्या दिखाई देती हैं, मल्टीपल लेयर्स। तो सेडिमेंटरी रॉक को हम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, फॉर्म बाय सक्सेसिव डिपोजिशन, मतलब बार बार जब सक्सेसिव क्या होती है, एक ही जगह पे क्या होती रहती है, डिपॉजिट होते रहते हैं, क्या, सेडिमेंट्स। जब सेडिमेंट एक ही जगह पर डिपॉजिट होते हैं और काफ़ी टाइम तक रखे रहते हैं तो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स में। और जब भी सेडिमेंटरी रॉक, अब जैसे एक एक लेयर बनी तो उसमें एक पेड़ उगाया, लेकिन फिर उसके ऊपर सेडिमेंट गिर गए, फिर धीरे धीरे उस पर सेडिमेंट गिर गए, फिर हो गए तो एक और सेडिमेंट, तो इसी में क्या मिलते हैं हमें, इसमें ही पेड़ पौधे दब जाते हैं, पेड़ पौधे जानवर वगैरह इसी में दब जाते हैं, इन्हीं लेयर्स के बीच में। तो इसीलिए इसी में ही हमें क्या मिलते हैं, सबसे ज़्यादा फॉसिल्स, क्या मिलते हैं, फॉसिल्स। तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, फॉसिल रॉक, किस नाम से जानते हैं, किस नाम से, फॉसिल रॉक, ठीक है। ये पेट्रोलियम वगैरह ये सारी चीज़ें हमें किस में मिलती हैं, सेडिमेंटरी रॉक। अगर कोई पूछे पेट्रोलियम वगैरह ये सेडिमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें कहाँ में मिलते हैं, फॉसिल्स वगैरह सारे सेडिमेंटरी रॉक में, लाइक कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ओके। और सेडिमेंटरी रॉक सबसे ज़्यादा फाउंड कहाँ पे होती हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती हैं, सी में, कहाँ पे, सी बेड, सी बेड पे हमें सबसे ज़्यादा सेडिमेंटरी रॉक देखने को मिलती है, क्योंकि वो वहाँ पे इजीली मूव नहीं कर पाती, वो एक जगह इकट्ठी होती रहती हैं, वहीं टाइम रह जाता है और आराम से एक लंबे टाइम में क्या हो जाती हैं, सॉलिडिफाई हो जाती हैं। इसीलिए हमें पेट्रोलियम वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ मिलते हैं, सी लेवल पे मिलते हैं ना कहीं ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ओके। अलग इसमें अगर तो अलग अलग टाइप भी होते हैं, मैकेनिकली फॉर्म, ऑर्गेनिकली फॉर्म और केमिकली फॉर्म। मैकेनिकली यानी कोई फिजिकल फोर्स की वजह से जब इरोजन होता है किसी रॉक का, तो उसकी वजह से जब सेडिमेंटरी रॉक बनती है तो वो मैकेनिकली। ऑर्गेनिकली फॉर्म मतलब कोई जानवर था, मर गया, उसके बाद में वो कायम डिकम्पोज होगा तो कायम कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, एसिड की वजह से उसमें किस में क्या होगा, इरोजन, तो ऑर्गेनिकली फॉर्म, ठीक है। केमिकली फॉर्म यानी बारिश वगैरह जब पानी गिरती है, ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से जो इरोजन होता है तो उसको बोलते हैं अपन क्या, केमिकली फॉर्म, क्लियर। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फ ये भी किस दो वर्ड, एक और वर्ड से बना है, किसे, मेटामॉर्फ, क्या, मेटामॉर्फ यानी सडन चेंज, क्या, सडन चेंज। अब क्या हुआ, एक रॉक्स दोनों इग्नियस या सेडिमेंट्री कोई भी रॉक रखी हुई है, ठीक है, बार बार क्या हो रहा है, बारिश, आंधी, तूफान चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से सडनली उसमें कोई चेंज आता है। जैसे कि अब हम बात करें किसकी, लाइमस्टोन की, लाइमस्टोन कलई देखी, कलई घर में कलई देखी किसी ने, चूना, चूने पत्थर देखा है, उसमें देखा हरी हरी सी लेयर्स होती हैं जब अपन फोड़ते हैं उसे और पानी में डालते हैं तो आग बन जाता है, बिल्कुल उबलने लगता है पानी कलई, है ना, तो वो तब तक तो वो क्या है, सेडिमेंटरी रॉक है। लेकिन अगर वो जमीन के अंदर दबी रहे और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें क्या आ जाए, सडन चेंज हो जाता है, किसमें, उसकी प्रॉपर्टीज़ में, किसमें, प्रॉपर्टीज़ में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से उसकी प्रॉपर्टी में सडन चेंज हो जाता है, काय में कन्वर्ट हो जाता है वो, मार्बल में, किसमें, मार्बल में, किसमें, मार्बल, देखा ना घर पर कितना ठंडा रहता है वो सारी चीज़ें, उसके इतना सॉलिड रहता है,
और वहीं लाइमस्टोन कितना रहता है, अमॉर्फस रहता है, बहुत ज़्यादा अमॉर्फस रहता है, ठीक है, और कितना ज़्यादा गर्म रहता है, और मार्बल कितना ठंडा। तो सडनली उसकी केमिकल, फिजिकल और प्रॉपर्टी में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उसी को बोलते हैं हम क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। कोई भी रॉक जिसकी क्या हो जाए, सडनली प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, किसकी वजह से, टेम्परेचर, प्रेशर, किसकी वजह से, तो क्या उसे हम बोलते हैं कौन सी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सी, मेटामॉर्फिक रॉक। व्हेन द अदर रॉक्स मेटामॉर्फोसाइज ड्यू टू ग्रेट प्रेशर, इंटेंस टेम्परेचर, और ड्यू टू आइदर एक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, ऊपर वाली कौन सी है, इग्नियस रॉक, कौन सी है, इग्नियस बसाल्ट, गैब्रो, ऑब्सीडियन, पैगमेटाइट, सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक में जिनीस, हॉर्नफिल, मार्बल, क्वार्ट्जाइट्स, स्लेट, ठीक है, और ये सेडिमेंटरी रॉक, बर्कियर शर्ट, कॉनग्रेनाइट, कॉनग्रेनाइट, सैंडस्टोन, देखा होगा पटिया, देखिए घर में अपनी पटिया, उसमें लेयर लेयर सी नज़र आती है, तो वो भी क्या है, एक सेडिमेंटरी रॉक है, क्या है, सेडिमेंटरी रॉक है, ठीक है। उसके अलावा जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से दूसरी चीज़ फॉर्म होती है वो क्या है, माउंटेन्स, क्या माउंटेन्स। जब हम वो छोटी सी एक वीडियो देख रहे थे उसमें हमने देखा था माउंटेन फॉर्म हो रहे थे, किसकी वजह से, एक जब एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट में टकराया तो पूरे एक कॉन्टिनेंट क्या हो गया, फोल्ड हो गया, क्या हो गया, फोल्ड हो गया, उसकी वजह से माउंटेन क्रिएट, अलग अलग माउंटेन। तो माउंटेन के अलग अलग टाइप हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक आगे क्या है, फोल्ड माउंटेन्स। कौन सा, कौन सा, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन किस लिए बने, फोल्ड माउंटेन कैसे बने, जब एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट में टकराया उसकी वजह से जो फोल्ड हुए वो, उसकी वजह से क्या बने, फोल्ड माउंटेन्स, क्या बने, फोल्ड माउंटेन्स। उसमें भी दो टाइप है, यंग फोल्ड माउंटेन, तो यंग फोल्ड माउंटेन वो हैं जो रिसेंट टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से बने, और अभी भी क्या हो रहे हैं, अभी भी क्या कर रहे हैं, फोल्ड हो रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं यंग फोल्ड। तुमने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कंटिन्यूसली बढ़ रही है, मतलब अभी भी हम उसमें क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं और अंदर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो पॉइंट राइज हो रहा है। हमने बताया ना, जब मैंने दो किताबें जोड़ी थी तो उसकी वजह से ऐसे करके आगे बढ़ गई थी, तो ऐसे ही जब हम किसी में घुस रहे हैं, एक दूसरे कॉन्टिनेंट में घुस रहे हैं, तो माउंटेन क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राइज, उन्हें ही हम बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन, जो कि अभी रिसेंट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बने हैं। ऐसे कौन कौन से हैं, हिमालयस, एंडीज, रॉकीज एंड एल्प्स, ठीक है। उसके अलावा ओल्ड माउंटेन, जो लास्ट पहले कभी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ रही थी मिलियन ईयर बिफोर, बहुत साल पहले, तो उसकी वजह से जो माउंटेन रेज हुए थे उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, लाइक अरावलीज। अरावलीज हमारी दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में है, किसमें, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में है, एप्लीशियंस, अरावली, ये सारे क्या हैं, पैनीज, ये सारे क्या हैं, पुरानी, जब पुराने टाइम पे टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ उसकी वजह से जो माउंटेन राइज हुए उन्हें हम बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। उसके अलावा बेसिन्स बनते हैं, बेसिन क्या होते हैं, जहाँ माउंटेन है उसकी जगह जब माउंटेन खड़ा होगा तो एक डिप्रेशन भी बनेगा, अगर दो माउंटेन बनेंगे तो क्या एक डिप्रेशन भी क्रिएट होगा, अगर कोई चीज़ ऊपर गई तो कोई चीज़ नीचे भी तो दिखेगी, अगर वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करोगे तो बिल्डिंग ऊंची दिखेगी तो बिल्डिंग से कुछ नीचे भी दिखेगा, ठीक है, तो वो जो एक बेसिन टाइप का क्रिएट हो जाएगा, क्या एक डिप्रेशन टाइप का क्रिएट हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिन, क्या बोलते हैं, बेसिन, ठीक है। कॉर्डिलेरा किसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेवरल माउंटेन्स, अगर बोलेंगे कोई हिमालय रेंज तो कोई भी कॉर्डिलेरा का नाम बताओ तो लिख देना हिमालयंस, तो क्या ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, क्या है, ग्रुप ऑफ माउंटेन, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लॉक माउंटेन, क्या ब्लॉक माउंटेन, ये भी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से होता है, लाइक ये पूरा एक फ्लोर था रखा हुआ है, सिंपल है, ठीक है, लेकिन एकदम से कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई सडनली, या तो क्या हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, क्या हो गया, टेक्टोनिक मूवमेंट में क्या हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, उसकी वजह से ये वाला पार्ट जो था मेन वाला ये क्या हो गया, नीचे की तरफ धस गया, तो अब ये क्या बन गया, ये ऊंचे ऊंचे हो गए तो ये भी क्या बन गए, माउंटेन बन गए, और ये डिप्रेशन आ गया, ये क्या हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये डिप्रेशन हो गया, तो ये वाले ब्लॉक माउंटेन्स का
फर्क यही होगा कि ब्लॉक माउंटेन अपन को कैसे नजर आएंगे, ब्लॉक ये जैसे कि अपन ने फोल्ड माउंटेन देखे, जब कोई चीज़ फोल्ड होती है तो नुकीली बनती है, तो हमने उन माउंटेन्स को हमने ऐसे देखा, लेकिन ये माउंटेन कैसे होंगे, ब्लॉक्स। इनका सरफेस कैसा होगा, फ्लैट, कैसा होगा, और इनका सरफेस कैसा होगा, कर्वी। फोल्ड माउंटेन्स का सरफेस कैसा होगा, कर्व, फोल्डेड। हम बीन वाइज ब्लॉक माउंटेन्स का सरफेस कैसा होगा, ब्लॉक या फिर फ्लैट। क्लियर, क्लियर लाइक दिस, क्लियर। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, वो नीचे वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं अपन गाबन, और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हॉस्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉस्ट। क्लियर एवरीवन, क्लियर, किसी कोई डाउट नहीं, ठीक। इनके अलग अलग एग्जांपल दिए हुए हैं, सियरा नेवाडा है, वॉस्केस है, राइन ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, सियरा हार्ज माउंटेन्स हैं, ये सारे क्या हैं, ब्लॉक माउंटेन। किसी ने ग्रैंड कैनियन देखा, यूएस में ग्रैंड कैनियन, नर्मदा वैली है, वो भी यही है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स में आती है। क्लियर। उसके अलावा और थोड़े से माउंटेन है, लाइक डोम माउंटेन और रेजिडुअल माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन तो समझ ही गए होंगे, एक वॉल्केनो जब बनता है तो वॉल्केनिक मैग्मा फॉर्म होने के, मैग्मा ठंडे में होने की वजह से जो माउंटेन फॉर्म हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन, लाइक कोटोपैक्सिया एटना, ठीक है। उसके अलावा रेजिडुअल माउंटेन, जब कोई चीज़ इकट्ठी होती जाए एक ही जगह पर, किसी ब्लॉकेज की वजह से एक जगह पर सेडिमेंट्स क्या होते जाएँ, कंटिन्यूसली इकट्ठे होते जाएँ, इकट्ठे होते जाएँ, काय का फॉर्म ले लें, किसका फॉर्म ले लें, माउंटेन का। तो ये क्या रेजिडुअल, यानी रेजिडुअल्स यानी बचे कुचे जब सेडिमेंट्स होते हैं, एक जगह कुछ भी हो वो एक ही जगह पे इकट्ठा होता जाए और क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, तो क्या बन जाता है, रेजिडुअल माउंटेन। एग्जाम्पल क्या है, माउंट, माउंट मैंडनॉक। ओके, नाउ द टॉपिक इज कंप्लीटेड, तो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वॉल्केनोज आर करेक्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ अ वॉल्केनो इज मेजर्ड बाय वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स। एक्सप्लोजिव के हिसाब से देखा जाता है क्या, आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी, यस। वॉल्केनिक सॉइल्स आर रिच, डीप एंड फर्टाइल, अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस। तो फिर तीनों सही क्यों, अभी देखा तो हमने देखा नहीं, वॉल्केनो को हम एक्सप्लोजिव इंडेक्स पे देखते हैं कि नहीं, जो सिंडर वॉल्केनो फ्लो ऑफ लावा, लावा फ्लो करेगा वो एक्सप्लोजिव भी तो करेगा। सिंडर शील्ड, एक और डेफिनेशन क्या थी उसकी, एक्सप्लोजिव के ऊपर भी तो थी, मैग्मा फ्लो, किस मैग्मा फ्लो करेगा तो उससे क्या दिखेगा, उसका एक्सप्लोजन ही तो नजर आएगा। अगर स्लोली फ्लो कर रहा है तो वो एक्सप्लोड नहीं कर रहा है, अगर फ्लुएंटली फ्लो कर रहा है, अगर कंपोजिट में जब पूरा पूरा वॉल्केनो कोलैप्स कर रहा है तो किसकी वजह से कर रहा है, मैग्मा फ्लो क्या कर रहा है, ब्लास्ट कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, एक्सप्लोजिव इंडेक्स उसका ज़्यादा है, उसका एक्सप्लोजिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसीलिए पूरा का पूरा वो क्या कर गया, माउंटेन ही क्या कर गया, कोलैप्स कर गया। क्लियर, तो तीनों ही सही हैं। इसका आंसर क्या है, फर्स्ट सेकेंड एंड, ये क्वेश्चन तो इसका भी कॉन्सेप्ट हमने देख रखा है टाइम वाला, अगर GMT यानी ग्रीन मीन टाइम यानी प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर कितना बन रहा है टाइम, कितना बजे बता रहा है 10 AM, वहीं 90 डिग्री पर कितना होगा, 90 डिग्री हमने पता है ना, 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री इजिकल टू 4 मिनट, 15 डिग्री इजिकल टू 1 आवर, तो 19 डिग्री में कितने घंटे, 360 मिनट और 6 आवर्स, और कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट, तो क्या होगा प्लस, तो 10 AM में अगर हम कितने 6 आवर्स जोड़ें तो कितना टाइम पहुंच जाएगा, 4 PM, क्या बेटा जुबान पे थोड़ा क्या बोल रहा हो, दांत मत निकाला करो, ठीक है। Which of the following process lead to expansion of certain mineral as they take up water causing additional stress in the rock? अगर मैं केमिकल प्रोसेस पे देखें, क्या सिंपल ऑक्सीडेशन, सिंपल ऑक्सीडेशन, ओके, रिसेंट पेपर IQs अपन नेक्स्ट वीडियो में लगाते हैं।
ये सिंपल एक ग्लिम्स था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो था केमिकली जब रॉक फॉर्म होती है तो उससे रिगार्डिंग है, केमिकली जब रॉक फॉर्म होती है तो कौन सी रिएक्शन, तो मैंने बताया ना केमिकल में क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होती है और ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर?